गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम गांव और अपने कमरे पे पहुंच गए हैं। तो मम्मी पापा सभी लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं और घर में अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा आपको बाहर से तो ये सेकंड बालकनी है जहां से मैं वीडियो बना रही हूं। सामने का जो व्यू है देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, कुछ भी अभी सेट नहीं है क्योंकि साफ़ सफाई चालू है और जब शादी का घर होता है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी कोई भी साफ़ सफाई नहीं हुई है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद मम्मी के साथ और बेटी के साथ खेत घूमने गए थे क्योंकि मैं 12-13 साल बाद अपने गांव गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बारिश होने के बाद ठंड बढ़ गई थी थोड़ी सी, और ये पेड़ पौधे हैं, आम के बाग हैं, तो ये सब कुछ है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और प्रिया को बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि कितना गंदा गंदा सा लग रहा है, पर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि ये चीज़ हम लोग जानते हैं जहाँ पे हमारा बचपन बीता हो और इसमें हम खेले हों, घूमे हों, वो चीज़ अलग ही लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। तो मम्मी हैं और प्रिया है, तो हम ही तीनों आए थे घूमने क्योंकि फिर जाने का समय हो जाता है और शादी ब्याह के बीच में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो यहाँ मैं वीडियो के क्लिप लेती जा रही थी और बनाती जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे एक शियार भी था। तो ये जो बाग है ये मेरे मौसा जी हैं, उनका बाग है, ये उनका खेत है, उनके ये पेड़ हैं। तो हमने सोचा जहाँ बचपन बीता हुआ है, जहाँ हमारा घर है, इसके आगे हमारा घर है, तो हमने सोचा घूमना तो बनता है। तो ये रास्ते ऐसे लगते हैं बिल्कुल, मुझे ऐसी जगह पे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है जो सुनसान ऐसे खेत खलियान होते हैं ना, मुझे अपना गांव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा तो बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से। हमारी साइड सबसे ज़्यादा आम, महुआ और कटहल, इन सब के पेड़ काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। और सब्जी में सारी फसल्स होती हैं अपने समय के हिसाब से, गेहूं, धान, आलू, गंजी, सब कुछ होता है। पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे सरपत होता है जिसकी झाड़ू बनती है, और बांस, ये सारे देखने को काफ़ी मिलता है। अब तो खेत बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गए हैं, पहले तो बिल्कुल, अगर अगर पता हो आपको, चम्बल की घाटी सेम ऐसे ही होता था, बहुत ऊंचा नीचा जंगल लगता था, अब तो धीरे धीरे ठीक हो गया है। और यहाँ पे सरपत बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम खेत और गाँव से बाहर आ गए थे जहाँ पर फसल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये रास्ता सड़क की तरफ जाता है और यहाँ पर काफ़ी सरसों और गेहूं वगैरह हो रहे हैं। तो ये सरपत हैं, यहाँ पे सरपत बहुत ज़्यादा होती है जिससे फूल झाड़ू बनती हैं। तो अभी फ़िलहाल कट चुके हैं, जैसी बरसात हो जाती है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। उसके बाद हम मेन सड़क पे आ जाते हैं जहाँ से हमारा गांव कमरा जो है वो घर दिखाई देने लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और आपस में बातें कर रही थी क्योंकि बेटी भी जो है वो पहली बार मेरे मायके और गांव में आई थी यहाँ पे, जब से वो पैदा हुई थी यहाँ आई नहीं थी। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, हर जगह हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, धान, गेहूँ, ये सब कुछ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपना गांव घुमा देती हूँ। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का है जो हल्दी और मेहंदी से पहले जो रस्में होती हैं वहाँ, यहाँ पर चालू हो गया है। पंडित जी बैठे हैं और मेरी बुआ बैठी हुई हैं, पापा की बहन जो हैं उनका काफ़ी अच्छा रोल होता है इसमें शादी में। तो यहाँ सब कुछ पूजा वगैरह, पता नहीं कौन सी रस्में चालू हैं, मुझे नहीं ज़्यादा नॉलेज है। तो फिर रस्में आज से रस्में चालू हो जाएंगी, उसके बाद फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, सब कोई बिजी हो जाएंगे। तो होपफुली आपको भी पसंद आया होगा ये ब्लॉग। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे अगर मैं समय मिलेगा तो ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं तो फिर मैं बाद में एडिटिंग करके शेयर करूँगी क्योंकि शादी के बीच में, फंक्शन के बीच में एडिटिंग का समय नहीं मिलता है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी औरतें होती हैं, डांस, गाना बजाना, ढोल, ये सब कुछ चालू हो जाता है। मेहंदी और हल्दी के बाद काफ़ी रस्में चालू हो जाती हैं जिसके बीच में वीडियो बन तो जाता है पर एडिटिंग नहीं हो पाती है और इसको मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो मैं बाद में देखूँगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो
इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छे न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।